हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पी ब्रॉस। मेरा नाम है रुपेश और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये MHL केबल का। ये MHL केबल है, वो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं आपका मोबाइल जो है टीवी को कनेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या कैसा पैकिंग आता है इसका, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन से पोर्ट को आप ये कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर बाइंग दिस आइटम ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवेयर। सो बिना स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल पी ब्रॉस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसा बॉक्स आता है, इसका पैकिंग आता है। तो ये बेसिकली मैंने खरीदा था हांगकांग से लोकल मार्केट में, यानी ये अराउंड 19 हांगकांग डॉलर में खरीदा था। मतलब इसकी लगभग प्राइस आती है INR में अराउंड 160-170 के अराउंड, तो उतने में मैंने ख़रीदा था। आप अगर इंडिया में बाय करेंगे तो ये अराउंड 300-400 रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये इससे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से। तो चलिए क्विकली इसको ओपन करते हैं। तो ये सर स्टैंडर्ड बॉक्स उसका अच्छा आता है, पैकिंग भी अच्छे से की है। हालांकि मैंने हांगकांग से ख़रीदा था, मुझे लगा था कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, बट कुछ नहीं, वो चेक करने के बाद ही लिया है मैंने। तो और उनका मनी बैक वारंटी भी रहता है। तो इसकी 2 मीटर की इसकी लेंथ आती है, इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे आपका टीवी का पोर्ट जैसे MHL टू HDMI केबल, इसे आप टीवी को अब कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास अगर आईपैड है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें बहुत माइक्रो 5-पिन USB आता है, 9-पिन USB आता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर आते हैं। तो जैसे आप अगर आपके पास वो पुराना वाला होगी तो वो भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इसकी डिटेल्स दी है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है और कौन कौन से फ़ोन पे ये काम करेगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जो भी नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, मोस्ट ऑफ दी फोन्स पे ये आप कनेक्ट सकते हो। तो जो टिप है मैं आपको इसी की रिगार्डिंग है, वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के एंड में बता। चलिए क्विकली चेक करते हैं कैसा क्या क्या डिटेल्स आती है इसकी। तो चलो लेट्स ओपन करते हैं इसको। ऐसा एक स्टैंडर्ड पैकिंग आता है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के 1 मीटर की लेंथ है इसकी। तो आराम से, मतलब लेंथ अच्छी खासी है, आप बहुत दूर रख के भी मोबाइल इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप कर सकते हो लैपटॉप को भी को आपका मोबाइल, बट उस चीज़ में थोड़ा लैगिंग हो जाता है, वीडियो की क्लैरिटी थोड़ी आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, क्लैरिटी अच्छी इतनी आती नहीं है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। जब भी आप जैसे क्रोमकास्ट हो गया और जैसे सीधा वाईफाई रिंग जिसको कहते हैं वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा आपको क्वालिटी में लैगिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने अभी वहाँ पे आप जैसे टीवी पे टीवी का जो HDMI केबल है वहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में MHL सपोर्ट नाम का जाएंगे, MHL सपोर्ट करके टाइप करेंगे तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। कुछ तो जैसे कोई भी एक अच्छा सा डाउनलोड करके पहले आप चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में MHL सपोर्टेड है कि नहीं। अगर है तभी ये लेने में पॉइंट है, क्योंकि मैंने एक ख़रीदा था, मेरे पास लिनोवो K5 नोट था, मैंने ये चीज़ चेक नहीं की। तो मैंने जब कनेक्ट करने की कोशिश की तब मुझे प्रॉब्लम आया कि ये MHL नॉट सपोर्टेड। तब मैंने जाके ऐप डाउनलोड किया, चेक किया, तब पता चला मेरे मोबाइल में MHL सपोर्ट है ही नहीं। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। और अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, किसी को हेल्प चाहिए तो शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।